नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं वर्षी पर सर्वधर्म सभा का आयोजन। सेंट्रल हॉल के खुले मंच पर 3 दिसंबर को होगी प्रार्थना सभा। धर्मगुरुओं के साथ सीएम शिवराज करेंगे शिरकत। बेनतीजा रही सरकार और किसानों की वार्ता, नहीं निकला कोई हल। सरकार ने रखा समिति बनाने का प्रस्ताव, पर कानून वापस लेने पर अड़े रहे किसान। भड़काऊ भाषण मामले में हाईकोर्ट पहुंचे विधायक आरिफ मसूद। दूसरी एफआईआर रद्द करने की लगाई याचिका। कहा जो मौके पर मौजूद नहीं उसकी शिकायत पर एफआईआर क्यों। कोर्ट ने एमपी सरकार से मांगा जवाब। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में मिले 11 कोरोना संक्रमित। सभी सुरक्षाकर्मी और स्टाफ मरीज भेजे गए अस्पताल। परिवार को होम क्वारंटाइन के आदेश। और महाकाल मंदिर के विकास के लिए फ्रांस की सरकार देगी 80 करोड़ रुपए। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह का बयान, मंदिर के विकास को मिलेगी तेजी। अब खबरें विस्तार से। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से मंगलवार को केंद्र सरकार ने 2 पेज में करीब 2.5 घंटे तक बातचीत की। नतीजा कुछ नहीं निकला। 2 घंटे के पहले फेज में सरकार ने किसान प्रतिनिधियों के सामने केंद्र ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर पावर प्रेजेंटेशन दिया। उनके सामने प्रस्ताव रखा कि नए कानूनों पर चर्चा के लिए कमेटी बनाई जाए, इसमें केंद्र, किसान और एक्सपर्ट शामिल हों, पर बात नहीं बनी। दूसरे दौर में ये तय हुआ कि अगली बातचीत 3 दिसंबर को होगी। मीटिंग के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, बातचीत अच्छे माहौल में हुई है। हमने किसानों से आंदोलन खत्म करने की बात कही, पर यह फैसला किसान ही करेंगे। हमने कहा कि कमेटी बना दें, पर किसान चाहते थे कि सभी लोग मिलकर बातचीत करें। तोमर के बयान के बाद प्रतिनिधिमंडल में शामिल किसान नेता चंदा सिंह ने कहा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हम कुछ तो हासिल करेंगे, भले गोली हो या फिर शांतिपूर्ण हल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर रहे, तो पीएम मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से भी चर्चा हुई। प्रदेश के विकास से लेकर कैबिनेट विस्तार पर भी औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं का दौर चला। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लोन की भी मांग की, तो वहीं कोरोना के मुद्दे पर भी कई सुझाव दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। उन्होंने कोरोना की मौजूदा स्थिति और इससे निपटने की तैयारियों के बारे में तो बताया ही, साथ ही सुझाव दिए कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य लाइसेंस की व्यवस्था लागू हो। सीएम ने कहा कि पहले हेल्थ वर्कर, पुलिस कर्मी और राजस्व अमले को टीका लगे, इसके बाद बुजुर्गों को। सीएम ने मध्य प्रदेश की खस्ता माली हालत की भी जानकारी दी और बताया कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी का अंश भी पूरा नहीं मिल पाया है। लगे हाथ उन्होंने राज्य सरकार को जीडीपी का 1% अतिरिक्त लोन लेने की अनुमति भी केंद्र सरकार से मांगी। उपचुनाव जीतने के बाद हुई पहली मुलाकात में शिवराज सिंह ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप प्रधानमंत्री को सौंपा। साथ ही बालाघाट क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना काल के दौरान राज्य में आर्थिक गतिविधियों को किस तरह बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 8 महीने में शिवराज सरकार ने जो योजना शुरू की उसकी भी जानकारी दी गई। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था, मध्य प्रदेश के विकास के बारे में, जन कल्याण के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। कोविड की स्थिति के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की और वैक्सीनेशन की जो तैयारी चल रही है उसमें कैसे वैक्सीनेशन होना चाहिए, अनेकों प्रकार के विचार मेरे दिमाग में भी थे, हमने शेयर किए। जैसे कि जन जागरण अभियान ये भी चले कि बुजुर्ग या जो बीमार हैं या जिनको एक से ज़्यादा बीमारी है, ये हमारे जो हेल्थ वर्कर है उनके साथ साथ पुलिस, रेवेन्यू और बाकी भी अमला जो इस काम में लगे रहते हैं उनको तो टीका लगे, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, विशेषकर यूथ, युवा, एक अभियान ये चले कि वो खुद स्वेच्छा से कहे कि हमें टीका अभी नहीं लगाया जाए, बाद में लगाया जाए।
इसके अलावा माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर भी सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को अनौपचारिक रूप से जानकारी दी है। वहीं कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सीएम ने प्रदेश के विकास के मुद्दे पर चर्चा की। अब देखना यह है कि इस मुलाकात और दिल्ली दौरे का फायदा मध्य प्रदेश को कब तक और कैसे मिल पाता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा कई मायनों में खास रहा, जहां एक ओर उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस कर पूरा रोड मैप पीएम मोदी के सामने रखा, वहीं दूसरी ओर 8 महीने की योजनाओं की पूरी रिपोर्ट उन्होंने पीएम मोदी को सौंपी। वहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लोन की मांग भी उन्होंने पीएम के सामने रखी। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार के ऊपर भी चर्चा हुई होगी। अब देखना यह है कि इस मुलाकात का मध्य प्रदेश पर कितना असर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र यादव के साथ मैं अनन्य चतुर्वेदी, डीएनएन न्यूज भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम शिवराज ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की। सीएम ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और केंद्रीय कृषि कानून को लेकर चर्चा की। इसके अलावा सीएम शिवराज ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के वेबिनार में शामिल हुए। वेबिनार में प्रदेश के कृषि मंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए। नितिन गडकरी ने वेबिनार में फसल स्वास्थ्य प्रबंधन पर केंद्रित पुस्तक का भी विमोचन किया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने वेबिनार को अपने गृह ग्राम बारंगा से संबोधित किया। इस दौरान कमल पटेल ने कहा कि रासायनिक खादों के इस्तेमाल से फसलों और जमीन की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई है और फसलों के उत्पादन को निरंतर बढ़ाए रखने के लिए कीटों और फसल संबंधी बीमारियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सतपुड़ा पावर प्लांट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई नहीं होने पर ऊर्जा मंत्री ने सिविल के एडिशनल सीईपीसीसी निवारी को निलंबित कर दिया। निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री ने पावर प्लांट के आला अफसरों के साथ बैठक भी की। बैठक में 2 नंबर प्लांट की बार बार बंद हो रहे विद्युत इकाइयों को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा मंत्री ने अधिकारियों से प्लांट के उत्पादन को लेकर पूरी जानकारी ली। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र को लेकर इन दिनों चर्चाएं गर्म है, लेकिन इसी बीच भोपाल में ईदगाह हिल्स का नाम बदलने को लेकर सियासत शुरू हो गई। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा ईदगाह हिल्स का नाम बदलने का सुझाव दिया है। इसे लेकर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने खास चर्चा की डीएनएन संवाददाता अनन्य चतुर्वेदी से। यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि सर फिलहाल विधानसभा सत्र आ रहा है, क्या कुछ इस बार नए मुद्दे रहने वाले हैं? काफी सारे मुद्दे नए आए हैं। जो है वो एजेंडा जारी कर दिया गया है, उसमें कोई ऐसी नए मुद्दे नहीं है। जो लोक कल्याण के विषय होते हैं, विधायक जनप्रतिनिधियों के प्रश्न उत्तर होते हैं, सदन की जो आवश्यक कार्रवाई होती है, बजट संदर्भ जो कार्रवाई है, वो सारे नए सदस्यों की शपथ है। सर हर साल जो है उपाध्यक्ष पद जो होता है विधानसभा में वो विपक्ष को दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस के शासन में इस तरह नहीं हुआ था, उस बार उन्होंने अपनी पार्टी को दिया था, इस बार क्या रहेगा? इस पर रणनीति दल ही विचार होगा, वो जो रणनीति बनाएंगे वो देखेंगे। कुछ दिनों पहले जो है एक बयान सामने आया था बीजेपी की तरफ से, जहां पर उन्होंने कहा था कांग्रेस इस बार अपेक्षा ना रखे। ये मैंने कहा ना कि ये जो जहां से बयान आया है वही उसके बारे में कन्फर्म करेंगे, वो जो व्यवस्था देंगे और जो व्यवस्था वहां का बहुमत कहेगा उस आधार पर होगा। सर अगर यहाँ पर बात की जाए, कल आपने एक बयान दिया था ईदगाह हिल्स के नाम को चेंज करने पर, तो क्या ये कार्रवाई सिर्फ ईदगाह हिल्स पे होगी या फिर जहाँ पर भी मुगल शासन जो नाम है भोपाल राजधानी में जितने भी उन सबको सबके ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी? देखिए अभी ये कहा गया है कि 500 साल पहले गुरु नानक देव ईदगाह हिल्स जहाँ कहा जा रहा है वहाँ आए थे, तो जब 500 साल पहले वहाँ ईदगाह नहीं थी, वहाँ केवल गुरु नानक आए थे और वहाँ पर जंगल था और जंगल में गुरु नानक ने मंगल किया, इसलिए उस टेकरी को नानक टेकरी के नाम से जाना जाना चाहिए। ईदगाह वहां बनी रहे, ईदगाह थी, हमें इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन गुरु नानक टेकरी और गुरु नानक का आना पहले हुआ था, इसलिए गुरु नानक टेकरी के आधार पर उसको जाना चाहिए। और अगर वहां के हमारा गुरुद्वारा प्रबंध समिति या सिंधी पंचायत या रहवासी समिति कोई भी अगर लिखकर आवेदन देंगे कि इसमें नाम परिवर्तित करके सरकारी दस्तावेजों में गुरु नानक टेकरी नाम जोड़ा जाए, तो हम मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करेंगे कि इस नाम को संशोधित करके गुरु नानक टेकरी के नाम से जाना जाए। तो सर ये नाम जो आप बदलने की बात हुई है, क्या कहीं और भी होगी?
देखिए आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, जिन्होंने बताया कि आगे आगे देखिए होता है क्या, अब इस बात के क्या मायने निकालते हैं तो आगे वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र यादव के साथ मैं अनन्या चतुर्वेदी, डीएनए न्यूज भोपाल। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह दमोह के हटा पहुंचे। यहां पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के निवास पर समर्थकों ने दिग्विजय सिंह का स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, लेकिन बीजेपी ने भ्रष्टाचार की कमाई से हमारे विधायकों को खरीद के सरकार गिरा दी। एमपी में कांग्रेस की सरकार गिराना लोकतंत्र पर प्रहार था। जनता ने कांग्रेस पार्टी को जिताया था और लोग बाग ऊब चुके थे भारतीय जनता पार्टी कुशासन से। मिलावटी काम जो करते थे उन लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू की, व्यापक कार्रवाई शुरू की, ई टेंडरिंग पे कार्रवाई शुरू की, सीएस के भ्रष्टाचार पे शुरू की, तो इन्होंने जो अकूत धन इन्होंने कमा लिया है उसको उन्होंने हमारे विधायकों को खरीदने का जो सिलसिला शुरू किया उससे हमारे विधायक बिके और ये सरकार हमारी नहीं रही। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के विकास को तेजी देने के लिए अब इंटरनेशनल मदद मिलने जा रही है। महाकाल मंदिर के विकास को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस सरकार 80 करोड़ रुपए देगी। ये जानकारी उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने दी है। आशीष सिंह ने बताया कि इससे महाकाल के विकास को और भी तेजी मिलेगी। महाकाल मंदिर विकास योजना का हमारा जो प्रस्ताव है और जिसपे लगातार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बीच में संतों के भी हमको कुछ फीडबैक्स मिले थे, जिनके आधार पर जो प्लान बन रहा है उसकी आज समीक्षा की गई है और उसका जो द्वितीय चरण है उसकी हमको शुरुआत करनी है, जिसमें कि 80 करोड़ रुपए जो एक फ्रांस की सरकार है वो भी हमको इसमें प्रदान कर रही है सहायता के रूप में। तो उसके लिए जो दूसरे चरण की प्लानिंग है जिसमें हरी फाटक ब्रिज को जो है वो चौड़ा किया जाना है, सामने की रोड को चौड़ा किया जाना है और जो मंदिर के परिसर का जो विस्तार है, कुल मिलाकर जो हमारी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इंदौर में आईजी योगेश देशमुख का अलग ही रूप देखने को मिला। डीआरपीएफ में पुलिस दरबार में समस्याएं सुनने पहुंचे आईजी ने पुलिस अफसरों को और जिम्मेदारी की जमकर खबर ली। आईजी को कहीं किसी की वर्दी जूते में खामियां नजर आई तो कहीं वो गाड़ियों की मेंटेनेंस पर उखड़ गए। आईजी ने राउ थाने की गाड़ी के वापस खड़े एक पुलिसकर्मी को यूनिफॉर्म में नहीं देखा और ना ही पुलिसकर्मी के उनको सही जूते दिखे। फिर क्या आईजी साहब भड़क उठे, उन्होंने पुलिसकर्मी की जमकर क्लास लगाई। वहीं पुलिसकर्मियों की गाड़ियों की भी उन्होंने चेकिंग की और गाड़ियों के अंदर की हालत देखकर खूब क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि पुलिस अफसरों और पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को ध्यान में रखते हुए बेहतरी के कदम उठाए जाएंगे। आज स्टार्ट हुआ है, सभी काम देख रहा हूं मैं और मुझे विश्वास है कि यहां की पुलिस ने ठीक ठाक काम किया है और जहां कमियां हैं उसको उजागर भी किया जा रहा है और उसमें सुधारात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिसकर्मियों की आम समस्याएं भी थी आपके सामने, दिन समस्याएं थी। देखिए ये समस्याएं हर जगह होती हैं, हमारी संस्था है बड़ी डिसिप्लिन संस्था है तो जो समस्याएं आती हैं जैसे दरबार में लोगों ने अपनी बातें बताई हैं उस ओर ध्यान आकर्षित किया है। कई जगह उस पर कार्य हो रहा है और कई जगह जहां कार्य की आवश्यकता है वहां पे सभी अधिकारियों को बताया गया है, वेलफेयर मेजर्स लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई शुरू करती है। इसी कड़ी में डीजीपी डीएम अवस्थी ने बिलासपुर में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। इन पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, साथ ही डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मैंने सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा है और आपने पहले भी मीडिया में अखबारों में आया भी था कि जो लोग भ्रष्ट और कदाचरण से लिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाए। जो मेरे पास भी खबर आती मैं उन्हीं को भेजता हूं, उन्हीं से करवाता हूं। अभी आज बिलासपुर में भी 3-4 लोगों को उन्होंने निलंबित किया है। ये कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि न केवल हमें अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना है, अपराधियों के साथ जो भी संरक्षण देंगे ऐसे पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई।
छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्य सचिव अमिताभ जैन के पदभार ग्रहण किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के अधिकारी अमिताभ जैन ने राज्य के 12वें मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान रिटायर्ड मुख्य सचिव आरपी मंडल ने अपना कार्यभार अमिताभ जैन को सौंपा। इस दौरान अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों और उनके रोकथाम को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया कि हम महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों पर लगाम लगाने की लगातार काम कर रहे हैं। किरणमयी नायक ने बताया कि हाल ही में सामने आए मानव तस्करी के मामलों को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी की भी जानकारी दी गई। महिला मानव तस्करी के मामले में राज्य महिला आयोग के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया। पुलिस इसमें विवेचना जरूर कर रही है, परंतु ये ऐसा लगता है कि ये केवल एक महिला की तस्करी का मामला नहीं है। यदि 5-6 अभियुक्त का नाम आ चुका है, 5 अभियुक्त हिरासत में आ चुके हैं और अभियुक्तों की तलाश जारी है, तो ये 6-7 लोगों का यदि गिरोह है तो इन्होंने निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की बहुत सारी महिलाओं को तस्करी में उपयोग किया है। इसलिए डीजीपी से हमारी बातचीत हुई है। दुर्ग आईजी ने एक अलग से स्पेशल टीम बनाई है एडिशनल एसपी प्रज्ञा मेश्राम के नेतृत्व में, और अब हमारी आज डीजीपी को हमने एक पत्र भेजा है। इंदौर में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके तहत 2 डेयरी संचालकों पर रासुका की कार्रवाई की गई। इंदौर के अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर ने बताया कि माया फूड्स और सतगुरु मिल्क पर खाद्य विभाग की कार्रवाई की गई थी, जहां दूध पनीर और अन्य दूध के उत्पादों को बनाने के लिए एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद मौके से सैंपल लेकर दोनों डेयरी को सील कर दिया गया था और अब दोनों डेयरी संचालकों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा रही है। आज फिर एक कार्रवाई इधर दूध बनाने वाली दो दूध और उसका बाई प्रोडक्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज पर हम लोगों ने कार्रवाई करी है। उसमें हमारी फूड सेफ्टी की टीम और हमारी फूड सप्लाई की टीम, दोनों टीमों ने कार्रवाई करी। ये दो फैक्ट्रीज थी, एक मायाराम डेयरी और एक सदगुरु डेयरी। इन दोनों ही डेयरी में जो खतरनाक चीज़ पाई गई वो एसिटिक एसिड पाया गया। ये एसिड जो है प्रतिबंधित एसिड है, वहाँ पर नहीं होना चाहिए था इसको, और इससे उन लोग दूध को फाड़ कर दूध के बाई प्रोडक्ट्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं। ये बेसिकली गलत है, क्योंकि दूध फाड़ने के लिए जो मैंने सेफ्टी हमारे जो फूड सेफ्टी के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इन्हें एक रेंटन एंजाइम आता है, उससे दूध को फाड़ना चाहिए, परंतु पैसा और समय बचाने के लिए कि जिससे तेज़ी से दूध फट जाए, परंतु उससे जनता के स्वास्थ्य साथ बहुत भारी खिलवाड़ हो सकता है। ये एक इतना कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ करना वो भारी गलत है, और उसका लगभग 50 लीटर का कैन एक फैक्ट्री में पाया गया और एक फैक्ट्री में 20 लीटर पाया गया। ये दोनों ही चीज़ें आपत्तिजनक हैं, इसलिए उन दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करी है हमने। सारे सैंपल भरे हैं और उसमें रासुका लगाने के निर्देश भी कलेक्टर महोदय ने दिए हैं, तो रासुका की कार्रवाई उसमें की जाएगी। रायपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक नाबालिग पर जावेद नाम के एक शख्स ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे नाबालिग की मौत हो गई। वहीं उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि जब नाबालिग पर आरोपी चाकू से हमला कर रहा था, तब आरोपी के दोस्त उस समय वीडियो बना रहे थे। बताया जा रहा है वारदात के वक्त आरोपी शराब के नशे में धुत था। टीकमगढ़ से ऐसा मामले सामने आ रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर व्यक्ति इतना अमानवीय कैसे हो सकता है। पूरा मामला टीकमगढ़ के अमरपुर का है, जहां देर रात तो हुए एक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने हद पार कर दी। आरोप है कि अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने मृतकों के परिजनों से पोस्टमार्टम करने के लिए रुपए की मांग की है और रुपए नहीं देने पर 1 घंटे तक पोस्टमार्टम नहीं किया। हालांकि मामले की जानकारी स्थानीय विधायक राकेश गिरी तक पहुंचे तो उन्होंने पुलिस के साथ अस्पताल पहुंचकर मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया, साथ ही अस्पताल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। इस मामले में फिलहाल अस्पताल प्रशासन और पुलिस कार्रवाई की बात कर रहा है। कल 2 एक्सीडेंट हुए हैं, एक भेलसी में और दूसरा अमरपुर के पास। इन दोनों एक्सीडेंटों में 4 लोगों की मौत हुई है, जिनको कल अस्पताल लाया गया है, यहाँ मृत घोषित किया गया और आज उनका सुबह से पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के दौरान जिला अस्पताल का जो स्टाफ है उनके द्वारा 500-500 रुपये की मांग की गई है
पोस्टमार्टम नहीं कर रहे थे, ताला डाल दिया। जब इन्होंने पैसों की व्यवस्था की तब उनके द्वारा कहीं जाके पोस्टमार्टम किया। इसके बाद जो एम्बुलेंस है उनको एम्बुलेंस देने से भी मना किया गया, तो उन्होंने प्राइवेट एम्बुलेंस की है और एक एम्बुलेंस जो लोकल टीकमगढ़ की उनके लिए इनके द्वारा एम्बुलेंस उपलब्ध कराई। लेकिन एम्बुलेंस वालों द्वारा जो सरकारी एम्बुलेंस जा रही थी उनके द्वारा 150 रुपये उनसे राशि ली गई है, जो गलत है, जिसके संबंध में मैंने सिविल सर्जन से चर्चा की, उन्होंने मौके पर आकर तत्काल कार्रवाई की। और इसके अलावा पुलिस का जो चौकी है यहाँ पे अस्पताल परिसर में, उनके भी पुलिस कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति से 150 रुपये लिए गए, कुल 600 रुपये लिए गए। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ से हमने चर्चा की। पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल टीकमगढ़ कोतवाली सुनील शर्मा और SDOP कृष्णपाल सिंह को भेजा, जिन्होंने मौके पर आकर इसका अवलोकन किया। संबंधित अधिकारियों को आमने सामने जब बात कराई तो उनके द्वारा स्वीकार की गई, जिसको उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम निरंतर इस प्रकार की सक्रियता बनाए रखेंगे। बीजापुर में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें एक नक्सलियों ने टाटा सुमो को निशाना बनाया। इस घटना में सुमो में सवार मोहम्मद इकबाल और बलराम प्रधान नाम के दो शख्स घायल हो गए हैं। इन्हें प्राथमिक उपचार के लिए बासागुड़ा लाया गया। वहीं गंगालूर क्षेत्र में भी दो ग्रामीणों की हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस अफसर अभी इस मामले में हत्या की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। इंदौर में सट्टे के लेन देन में फंसे एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि लसूड़िया क्षेत्र में रहने वाले सुनील कुशवा नाम के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सट्टे में 10 लाख रुपए हारने के बाद से सुनील काफी परेशान था। सुनील के दोस्त ने बताया कि पिछले दिनों एक सट्टा कारोबारी ने रुपयों के लेन देन को लेकर उसके साथ मारपीट की, तभी से वो डिप्रेशन में था। बताया जा रहा है कि सुनील का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मैच के उनको 10 लाख रुपए लेना थे, उसके पहले भी 5 लाख रुपए आ रहे थे तो उनको दिए उनने, तो 10 लाख रुपए जब लेने की बारी आई उनसे तो उनको वहाँ पे बावड़ी के इधर बुलाया और मारा कुटी करके भगा दे के, तो कोई पैसे ही से नहीं और हम कोई पैसे ही से नहीं देंगे, आपको जिसको बोलना बोल दो। कौन लोग हैं वो? चंदन रघुवंशी है, एक निक्की 78 का और एक छोटू खत्री। क्या काम करते हैं? ये मैच का ही काम करते हैं। अभी PM के लिए मैं सौ सुनील द्वारका प्रसाद कुशवाहा का लेकर आया हूँ। हो सकता है रात में कहीं सुसाइड करा, इन्होंने फांसी ऐसी लगाई है, फिर सुनने में ही आया कि कहीं ना कहीं किसी 3 सेट के नीचे कहीं फांसी लगाई इन्होंने। ठीक है, वीडियो भी वायरल करने के मामला सामने क्या है? अभी वीडियो का तो अपने नॉलेज में नहीं आया, क्योंकि मैं तो राष्ट्रीय अपोलो से बाड़ी सब PM के लिए यहाँ लाया हूँ। मामला क्या है, क्यों फांसी लगाई, इसका अभी खुलासा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं आया है नॉलेज में कि क्या है, कैसे लगाई है। ग्वालियर के पड़ाव क्षेत्र में शराब के नशे में एक कार चालक ने कार को फुटपाथ पर सो रहे परिवार पर चढ़ा दिया। घटना में पति पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कार चालक पास ही में आयोजित शादी समारोह में शरीक होने आया था और कार को पार्किंग में लगाने के दौरान वो अपना नियंत्रण खो बैठा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।